आज मैं बनाने वाली हूँ एक झटपट बनने वाला व्हाइट सॉस पास्ता। बहुत जल्दी बनता है और बनाने में बहुत आसान है और बहुत कम चीज़ों के साथ आप बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी पास्ता, 1 कटोरी दूध, 1 शिमला मिर्च है बारीक कटी हुई, 1/2 टुकड़ा गाजर का है बारीक कटा हुआ, 1 प्याज है बारीक कटा हुआ, 2-3 लहसुन के हैं बारीक कटे हुए, 1 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई। तेल लिया है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून मैदा है, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है और 1 टेबल स्पून ओरिगेनो है। 1 चीज़ क्यूब लिया है, ग्रेट कर लिया है इसको, और 1 इंच टुकड़ा बटर का है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट पास्ता। कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है, गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें आधा चम्मच तेल डाल देंगे। आधा चम्मच के करीब नमक। यहाँ पे पानी उबलने लगा है, अब इसमें हम पास्ता डाल देंगे। इसको अच्छे से 5-7 मिनट तक उबाल लेंगे। कढ़ाई गर्म होने रख दी है, अब इसमें पहले तेल डालेंगे। तेल के साथ ये बटर डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो लहसुन और हरी मिर्च, लहसुन थोड़ी ब्राउन हो गई है तो प्याज डाल देंगे। प्याज को 1-2 मिनट सेक लिया है। इसके बाद गाजर और शिमला मिर्च डाल देंगे, लो मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे इसको भी। आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे। यहाँ पे हम ये मैदा डालेंगे और इसको अच्छे से सेंक लेंगे। एक से 1.5 मिनट अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे डालेंगे चिली फ्लेक्स जो लिया था, आधा अभी डाल देंगे और ये ओरिगैनो। यहाँ पे हम दूध डाल देंगे, लगातार चलाते हुए पकाएंगे इसको। ये सॉस हमारा बन गया है, थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो यहाँ पे हम 2 टेबल स्पून करीब पानी डाल देंगे। नमक और चीज भी डाल देंगे। और अब पास्ता डाल देंगे। आज थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो यहाँ पे आप थोड़ा दूध डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून दूध डाल दिया है और 1-2 मिनट इसको अच्छे से सेक लिया। 2-3 मिनट हो गए हैं, अभी हमारा पास्ता अच्छे से उबल गया है। इसमें अब हम डाल देंगे ये पास्ता सीजनिंग और ये बचे हुए चिली फ्लेक्स। तो ये झटपट बनने वाला हमारा व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है, अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये हमारा व्हाइट सॉस पास्ता बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।